रफी साहब ने एक गाना प्लेबैक देकर के मुकम्मल कर दिया, लेकिन गीतकार और संगीतकार के बीच में हो गई कहासुनी। यहां तक कहा जाता है कि कॉलर पकड़ लिए थे गीतकार ने और संगीतकार ने एक दूसरे के। कौन सा था गाना आज बताएंगे आप सबको, दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। हेलो फैमिली, मोहम्मद रफी साहब द्वारा गाए हुए एक गीत के साथ कुछ ऐसे किस्से जुड़े हुए हैं ऐसा कहा जाता है। हमने ये बात पढ़ी हुई है एक किताब के अंदर, तो हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं कि हम कोई गैर मालूमात को आप सब तक पहुंचाएं, लेकिन रफी साहब का एक इतना पॉपुलर गाना है जो हर जगह पर हर बार न जाने हजारों बार कौन कौन सी जगह पर गाया जाता है, कौन कौन सी जगह पर बजाया जाता है। ऐसा एक गीत था, जब उस गीत का रिकॉर्डिंग मुकम्मल हुआ तो इस गीत के गीतकार आनंद बख्शी साहब और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बीच में हो गई कहासुनी। आनंद बख्शी साहब का ऐसा मानना था कि इतने खूबसूरत अल्फाजों को तुम लोगों ने, यानी लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल जी, तो उन्होंने ऐसा कहा था कि तुम लोगों ने पूरे गीत का सत्यानाश करके रख दिया है, ये गाना बिल्कुल ही अच्छे मूड में नहीं बना। कहा सुनी कुछ ऐसी बड़ी कि कुछ मैगजीन्स में ऐसा भी लिखा गया कि कहा सुनी आखिरकार झगड़े में तब्दील हो गई और कहीं हाथ भी उठाया गया था ऐसा लिखा गया, लेकिन इस बात का हम पुष्टि नहीं करते। जो भी हो, खैर गीतकार आनंद बख्शी साहब नाराज थे इस धुन से, ये तय है। गाना था कौन सा? साल 1967 में एक फिल्म आई थी, जितेंद्र जी और बबीता जी द्वारा अभिनीत फिल्म का नाम था फर्ज। फर्ज फिल्म के लिए रफी साहब ने दो बड़े ही पॉपुलर गाने गाए थे। गाने तो खैर तीन या चार थे रफी साहब के, लेकिन दो गाने बड़े ही पॉपुलर हुए थे, मस्त बहारों का मैं आशिक, और दूसरा एक ऐसा गीत था जो गीत आज भी बड़े ही धूम से, बड़े ही चाव से सुना जा रहा है, और दुनिया के किसी भी इंसान का बर्थडे हो तो गाना बजता है रफी साहब का यही। बार बार दिन ये आए, हैप्पी बर्थडे टू यू। इस गीत के बारे में मशहूर लिरिसिस्ट, मशहूर पटकथा लेखक, मशहूर फिल्म मेकर जावेद अख्तर जी ने तो यहां तक कहा है कि जन्मदिन चाहे किसी का भी हो, गाना बचता है सिर्फ यही, फिर चाहे वो इंसान का हो या किसी पेट का हो, किसी भी फैमिली मेंबर का हो, गाना तो बचता है मोहम्मद रफी साहब। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने भी आनंद बख्शी साहब से यही कहा था कि आप फिजूल में फिक्र करते हैं, ये गाना बड़ा ही पॉपुलर होने वाला है, इसकी धुन बड़ी ही कामयाब होगी, आप फिक्र ना करें। लेकिन बात सही निकली लक्ष्मी प्यारे जी की ही कि गाना इतने सालों के बाद भी, साल 1967 का ये गाना आज 2024 में भी उतने ही धूम के साथ सभी के बर्थडे पर प्ले होता है, यही है मोहम्मद रफी साहब की कामयाबी। दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो, हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी जरूर से क्लिक करिएगा, आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताजा सी कहानी के साथ, दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।